सुदफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। विश्व भारत पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र कौशिक ने कहा, शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। एज ए हेड मास्टर विश्व भारती पब्लिक हाई स्कूल कुचामा बल्लभगढ़। सर, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा का स्तर को जब तक एजुकेशन इज लाइकली टू बी ए थ्री व्हीलर, एक तिपहिया वाहन है। तिपहिया वाहन का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है, पेरेंट्स, अध्यापक और बच्चा, जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक शिक्षा के गुणात्मक सुधार हमारे सामने नहीं आ सकते हैं। और पेरेंट्स को और अध्यापक को बच्चे के बारे में जानना जरूरी है कि बच्चा कहाँ रह रहा है, संगति कैसी है, क्या खा रहा है और इसमें सुधार किस तरह से किया जा सकता है कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा, चोरी तो नहीं कर रहा। इसके लिए जब तक ये तीनों थ्री व्हीलर की तरह तीनों पहिया मिलजुल कर काम नहीं करेंगे और अभिभावक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। सर, नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें शिक्षक भी कुछ जिम्मेवार हैं, पेरेंट्स भी और समाज भी। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में होना चाहिए क्लास 8 से और 12 तक। आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा का व्यवसाय बना दिया गया है, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? फीस इंक्रीज की बात जहाँ तक है कि जो बड़े स्कूल हैं जिन्हें गवर्नमेंट कुछ दे रही है, जैसे हुड्डा से एक्वायरमेंट है, तो फीस जो हो रही है तो ये तो महंगाई पहले से ही है, जैसे कागज भी महंगा है और दूसरी चीज़ें भी बेसिक महंगी हैं, तो इसमें इतनी मनमानी वसूल नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि पेरेंट्स या गरीब व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे? कैसे जी? छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, छात्र जीवन में छात्र को अपने के एक विद्यार्थी जीवन के रूप में सुबह अपना टाइम से उठना चाहिए और अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। जब तक इसके साथ साथ स्वस्थ शिक्षा की भी आवश्यकता है। यहाँ स्वस्थ शिक्षा नहीं है, मैं मानता हूँ, वहाँ मानसिक रूप से बच्चा उदृढ़ नहीं होगा, कार्य अपना एक परफेक्ट रूप से नहीं कर पाएगा और नहीं मोटिवेशन हो पाएगा।